हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल करण स्नेहा व्लॉग्स। सो भाई, आज की जो सुबह है ना बहुत अच्छी हुई, क्योंकि आज आ रही है बारिश और कल रात को भी बारिश आ रही थी, बट हमें लगा कि सुबह हो सकता है ना आए। बट सुबह सुबह जैसे ही मैंने बोला बूनू को चल फटाफट हम निकले, तो देखा कि वो भाई साहब पहली बारिश हो रही है। तो बूनू को तो आपको पता ही है, वो दिक्कत हो जाती है कि भाई वो घूमेगा कहाँ पे। वो वैसे ही पानी से ना बच बच के कूदता रहता है, बट स्टिल मैं उसको मतलब कुछ मैंने ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे थोड़ा सा ना मतलब वो घूम सकता है। लगी तो थोड़ी सी देर उसको फ्रेश होने में, बट वो हो गया। और फिर हम गए थे अकेडमी, क्योंकि स्नेहा की क्लास थी तो वो सुबह जल्दी चली गई थी, हम लेट उठे थे। वहाँ पे क्लास देने के बाद स्नेहा घर आ गई थी। उसके बाद मैंने कुछ और जो चीज़ें थी, कुछ लाइट्स वगैरह थी ना, वो जो यूज़ नहीं होनी वो मैंने पैक करके रख दी। कुछ ऐसी थी जो हमें अभी शूट के लिए चाहिए, अपनी कुकिंग की वीडियो बनाएंगे तो उसमें चाहिए, सो वो मैंने एक पैक करके मैं घर पे ले आया दूसरे स्टूडियो में कि हमें यहाँ पे भी यूज़ करनी है। सो वो सारा सब मैंने सेट कर लिया है। अभी कुछ वो वीडियो बनानी है, उसका सामान लेके आएगी स्नेहा, और उसके बाद हम करेंगे अपना वीडियो शूट। और आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी दाढ़ी को थोड़ी सी छोटी कर लूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है। पीछे कुछ शूट आया था तो उन्होंने बोला था कि आप ना अभी मतलब ट्रिम मत करना, तो मैंने नहीं करी थी अब। लेकिन वो शूट उनका किसी और के साथ फाइनल हो गया, मेरे साथ नहीं हुआ था। तो अब मैं फ्री हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। थोड़ी गर्मी भी है, थोड़ा कम गर्मी लगेगी मुझे, और काफ़ी दिन हो जाते ना तो थोड़ी सी एक बार ट्रिम कर भी लेनी चाहिए, ताकि जो नीचे की स्किन है ना उसको थोड़ा सा मतलब रिलीफ मिल जाए। वहाँ तक क्या होता है ना, बहुत चाहे आप किसी भी तरीके से मतलब कितनी भी सफाई कर लो, कितना अच्छा फेस वॉश यूज करो, लेकिन क्या होता है जो थोड़ा बहुत जो मिट्टी है या कुछ है ना वो इसके अंदर फंस जाती है। तो थोड़े थोड़े बाद टाइम बाद ना इसको थोड़ा ट्रिम करते रहना चाहिए, मतलब 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने में एक बार कर लो तो थोड़ा अच्छा रहता है। ये एक लाइट का बैग है, कैमरा है, ये एक हमारा ऑक्टा बॉक्स है। सो मैं ये लेके आ गया था क्योंकि हमें शूट के लिए चाहिए। अभी जो हम शूट करेंगे उसमें फ़ोटो क्लिक करेंगे अपने खाने की। सो ये सब मैं ले आया, बाकी सब मैं पैक करके रखा आया था। ये रखा हमारा एक बैग, वो दूसरा बैग, ये मैग मिनी का डब्बा है, और ये सारा मैंने इसे कर दिया है। एक ब्लॉग एडिट पे चल रहा है, अभी मैं जा रहा हूँ नहाने और थोड़ा ट्रिम करने अपनी बियर्ड को। और मोटू जो है ना वो नहा गया है, उसको ना बहुत इतने चक्कर आ रहे जाते थे, तो मैंने बोला है कि अब से मैं तेरी डाइट का ध्यान रखूँगा, क्योंकि ये क्या करती है ना, ये खाती कम है। अब मैंने डॉक्टर से पूछा था कि भाई ऐसा क्यों होता है, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होता, फालतू में दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खाना पीना जो है ना वो अच्छा करो, ताकि थोड़े ना शरीर में जान आए। और वैसे भी गर्मी का मौसम चल रहा है, कह रहे हैं आजकल ना इतनी सारी बीमारियां हैं, कितनी चीज़ों की दवाई लोगे और कुछ पता भी नहीं किसको क्या होता। अब कल मैं गया माँ के लिए दवाई लेने, तो वहाँ पे जितने ज़्यादातर लोग आए हुए थे ना उनको एक ही दिक्कत थी, सबको ना पेट में दर्द हो रहा है। अब पता नहीं पेट में क्यों दर्द हो रहा है, मैंने कोई परिवार वाले में वो भी वहाँ पे आए हुए थे, उनके बच्चे के पेट में दर्द था, तो मैंने पूछा क्या हो गया, बोले कि पेट में दर्द हो रहा है। कह रहा अच्छा खासा अपना ट्यूशन पे गया था, वहाँ से आया फटाफट भाग के कि मेरे को ना पेट में दर्द हो रहा है, 2-3 दिन हो गए अभी दवाई लेते बट कुछ आराम नहीं मिल रहा, जबकि बाहर का भी नहीं खा रहा, मतलब कुछ भी नहीं खा रहा वो, और ना वो वैसे भी खाते नहीं है। तो कह रहे कि अपने घर का नॉर्मल जो खाते हैं ना वही खाया था, बट उससे ऐसा हो रहा है। तो आजकल ना बीमारियाँ भी बहुत सारी हैं और कुछ पता नहीं है किस टाइम पे ना क्या शुरू हो जाता है, इसलिए दवाइयाँ कम लेनी चाहिए। थोड़ा सा अगर हम डाइट अच्छी कर लेना तो वही बेटर रहता है। मोटो कर रही है अभी ये चावल गरम, ये हमने बनाए थे और ये ठंडे हो गए हैं, तो इसको हमने अच्छा सा थोड़ा सा गरम करके खाएंगे, ठंडी चीज़ नहीं खाएंगे क्योंकि मोटो के गले में भी थोड़ा दर्द है। और ये बन रही है वही सेम कटोरी वाली चाट, और मोटो ने इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं, अभी हम ये भी खाएंगे। और ये रही मोटू, नहा ली तू? उदास है बेटा, थोड़ा चौदह चाहिए क्योंकि इसको चक्कर बहुत आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ धरती घूम रही है या तू घूम रही है, कह रही दोनों ही घूम रही हैं। अरे मौसम की वजह से हो रहा है, ये मौसम की वजह से ही हो रहा है, बहुत लोगों को हो रहा है। तो मैं भी नहाते नहाते भी चक्कर आ रहे थे, नहाते नहाते भी, तो तेरे को ऐसा लग रहा है ना तू घूमते घूमते नहाते नहाते नहा रही है। अब तुम चाहे नहा के आओ, और ये जो बड़ी बड़ी दाढ़ी कर रखी है इसको सही करो। अभी मैं पहले ये थोड़ी सी ट्रिम कर लेता हूँ, बता पूरी क्लीन या थोड़ी? ऐसा लगता है करण मानस जैसा ऐसे, मतलब पहले एक काम करते ना, पहले तो देख लिए सबने, अब हम थोड़ा ट्रिम करके दिखाते हैं कि अब उसके बाद कैसा लुक होता है, फिर उसके बाद जैसा अच्छा लगेगा ना वैसे ही रखा करेगी, ठीक है? वैसे मुझे दाढ़ी अच्छी लगती है। हाँ अच्छी लगती है, लेकिन ऐसे नहीं ना, नहीं मेरे को तो अच्छी लग रही है, इतनी फैली फैली सी, तो ठीक है सेट होनी चाहिए एकदम क्लीन। हाँ बिल्कुल जीरो, बिल्कुल मत जीरो नहीं बिल्कुल, मतलब थोड़ी सी सेट कर लो। ठीक है मैं थोड़ी सी सेट करके आऊं, मतलब थोड़ी सी छोटी भी कर लूं ना? हाँ थोड़ी सी छोटी कर लो, ठीक है, ज्यादा छोटी नहीं, पर इसी को मतलब थोड़ा ट्रिम कर लो हल्का सा, ठीक है। तो भाई चलो पहला काम ये मुझे मिला है, तो मैं ये कर लेता हूँ पहले, और फिर मैं नहा के आता हूँ। मुश्किल से हम लगाएंगे 10 से 15 मिनट। अभी मैं आप सबको दिखाता हूँ भाई, मैंने ट्रिम कर लिया और नया अवतार देखो, ये एकदम मस्त फर्स्ट क्लास मुझे लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
अब मैं कुछ क्रीम भी लगाऊंगा ना, गोरा होना है, गोरा गोरा होना है मेरे को, गोरा मैं काला लग रहा हूँ काला। और देखो मेरी आंखों में भी नींद थोड़ी दिनों जो भरी हुई है, क्योंकि एक तो एडिट का काम रहता है थोड़ा सा, और ऊपर से पता नहीं क्या होता है, हम कितने भी जल्दी कर लेना, रात को 1-1.30 बजे जाता है सोने में, फिर सुबह 6-6:30 बजे उठ जाओ, तो इससे ना नींद पूरी नहीं हो रही मेरी। अब मैं नींद पूरी करूँगा ना तो फिर मेरे डार्क सर्कल्स कम हो जाएंगे, फिर मैं एकदम गोरा चकाचक लगने लग जाऊँगा, और मुझे तो अच्छा लगा भाई, मतलब गर्मी भी अब कम लगेगी। अब हम खा लेते हैं कुछ, फिर करेंगे बाकी का काम, और भाई वीडियो भी बनानी है आज, तो वो लेट हो जाएगी नहीं तो। आ गई अपनी चाट जिसने ने बनाई थी, और ये आ गए चावल, अब खा लेते हैं फटाफट से, फिर करना है बहुत सारा काम। आज का दिन भाई बहुत ज़्यादा बिजी रहा था हमारा, और क्योंकि हमें ना काफ़ी सारे वीडियो शूट करे थे, आज हमने 3 वीडियो शूट करी है, एक थोड़ी सी बची है, वो हम शूट का भी रात को कर लेंगे या कल सुबह करेंगे, क्योंकि उसके लिए कुछ सामान चाहिए था, वो थोड़ा लेके आना है, वो नहीं था एक्चुअली, जो पहले था ना वो थोड़ा ख़राब हो गया था, और अभी इसने आ गया एक क्लास में, बूनो ने खाना खा लिया है, शाम को घूम के आ गया, अभी मैं जा रहा हूँ क्लास, और वहाँ जाके बूनो करेगा थोड़ी मस्ती, क्योंकि अब पार्क नहीं जाता वहाँ पे, क्योंकि गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो मैं सोचता हूँ कि इसको बाहर मत लेके जाओ, किसी दिन बीमार हो जाएगा, अब ये क्लास में जाएगा वहाँ पे, वहाँ पे एकदम फुल ऑन मस्ती करेगा ये। ये बहुत खुश हो रहा है, कूदेगा अभी ये बुनु डांस करेगा, डांस करेगा इसको, ये मुझे सिखा देगा, भाग 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 भाग, इसका ये पिल्लू है, पागल हो गया है। ओए इधर आ, लेके इसको ले आया, पानी पी लो, ले आया, खेलो अब, चलो बंद कर दे इसे, अब खेलो, हाँ इसे बंद कर दे, अब खेलो भाई इसके साथ, पानी पी लो तू, छोड़ छोड़ इसको, छोड़ छोड़ छोड़, तो पागल है मुझे घंटे फीस ले, वो इधर आ, इधर आ, फीस दे अपनी, टुक 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 चलता है, दो दे दो, लीव गुरु लीव ना, लीव छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, वाह पे। और भाई ब्रूनो को भी घुमा लाए हैं हम अकेडमी से आते हुए, अभी हम कुछ खाएंगे और फिर सोएंगे, और थोड़ा सा जल्दी सोएंगे क्योंकि कल कुछ एक थोड़ा सा काम भी है हमें, कुछ बाहर का भी काम है, कुछ अपने स्नेहा की क्लासेस भी हैं, कुछ मेरा भी काम है, सो कल ना कल बहुत ज़्यादा हैक्टिक दिन रहने वाला है, सो अभी हम बिल्कुल फटाफट से अपने सारे काम निपटा के और सो रहे हैं एकदम टाइम से, ताकि सुबह जल्दी उठें और हम पूरा दिन में ना अपने सारे काम कल निपटा लें, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो काफ़ी पहले होने चाहिए थे बट वो पेंडिंग हो गए, कौन से काम है ना कल मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, तो भाई ज़रूर देखना, और आपका सपोर्ट और आपका जो प्यार है वो हमारे साथ हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए, सो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए टाटा बाय एंड सी यू।